नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए दोस्तों, पीसीएस जेके स्ट्रेटजी प्लान में मैंने आप लोगों को बताया था, और अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी ख़राब सी हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नई वीडियो सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहा हूँ पहले, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साथ में क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग सकते हैं वो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा किस तरह से एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा उद्देशिका यानी प्रिम्बल्स। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो प्रिम्बल्स को एक शॉर्टकट अपने तरीके से मैंने बनाकर अपलोड कर दी थी आज से 3 महीने पहले, उसे देख लीजिएगा चैनल पे जाके, बिकॉज जिस तरीके से मैंने उसे समझाया शायद आपने अपने क्लास में या जब LLB आपने की हो तभी भी किसी ने नहीं समझाया हो, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लें पहले, इस वीडियो देखने से पहले और फिर इसको देख लें। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तू जरूर कर सकता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, जो हम जहाँ तक हम सोचते हैं वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, इसलिए कुछ बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही होगा। और 610 वैकेंसी हमारे सामने हैं और हमें तो बस एक ही चाहिए, और जब ये जो हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बस अपनी कंटिन्यूटी और अपना जो समर्पण है वो अपने साथ रखें। ठीक है, तो आइए चलते हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिकॉज मेंस में आपको लिखने के लिए 100% आएगी, मेंस में आपके लिए लिखने के लिए ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये उद्देशिका यानी प्रिम्बल्स आपको याद होनी चाहिए, भारत के संविधान यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आपको याद होनी चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर शुल्क 7 संवत 2006 विक्रमी को अध्यय द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल एक सांस में आप लोगों की सबकी बहुत तेज़ी से याद होनी चाहिए, एकदम से इंटरव्यू में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। बिहार जे में भी एक बार ये स्टूडेंट से पूछ लिया गया था, तो आप लोगों से बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। ये आपको बिल्कुल उद्देशिका यानी एकदम याद होनी चाहिए, बिकॉज आप जे की तैयारी कर रहे हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सारे के सारे मैं आपको कवर करके बता रहा हूँ कैसे आएंगे। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुने, थोड़ा सा हिस्ट्री में नज़र डाल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। भारतीय संविधान जो सभा का गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1946 में इसका गठन हुआ था, उसकी पहली बैठक जो हुई थी हमारी 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ये भी आता है। और जो इसमें पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे टेम्परेली, और फिर दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें कुल 389 ये इतने सदस्य इसमें आए थे, और जिसमें से 292 जो थे हमारे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे और 93 जो थे हमारी देसी रियासतों से थे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुने, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करे जाएँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सारे आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और जो 4 प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के प्रांत से चुनकर आए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा कि इस पहली संविधान सभा का गठन कब हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर जो स्थायी तौर पर बनाए गए थे वो हमारे बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। असल में क्या हुआ था, जिस दिन संविधान सभा बुलाई गई थी उस दिन सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत थी, लेकिन अध्यक्ष था नहीं, तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, उनको ही अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, और जो इसके बाद जो बने थे पहले अध्यक्ष वो स्थायी बने थे, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट भी थे। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, ये क्वेश्चन बहुत लगता है कि संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे, तो संवैधानिक परामर्शदाता हमारे BN राव थे, ना कि BR अंबेडकर। BR अंबेडकर बहुत मोस्टली स्टूडेंट लगा देते हैं, लेकिन BN राव संवैधानिक परामर्शदाता थे। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल याद रखेंगे आपको। और 26 नवंबर को
ये हमारी लागू की गई थी 26 नवंबर 1949 को। तो उसी 26 नवंबर को हमारा प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, विधि दिवस, लॉ डे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी हमारा क्वेश्चन आता है। और केशवानंद भारती जो हमारा वाद था, केस था, उसमें भी ये कहा गया है कि हम भारत के लोग, जो ये लिख रहा है ना, हम भारत के लोग जो ये पद है, इसको एक अंतर्निहित अभिप्राय भी यह भी माना गया है कि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित और स्वीकृत किया है। ठीक है, तो भारत के लोग ही सर्वोपरि होंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से कौन सर्वोपरि है, तो भारत की जनता ही भारत सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। या क्वेश्चन ये आएगा कि कौन भारत में संप्रभु है, तो इसमें आएगा भारत के लोग। तो इससे पता चलता है कि भारत के लोग ही संप्रभु है, यानी सुपर पावर है। ठीक है, दूसरा ये कि ये समाजवादी पंथ जो वर्ड जोड़ा गया था हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये कुछ वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, तो जिसमें समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्वेश्चन ये आता है 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, जिसे क्या कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और सुमन सिंह समिति के सिफारिश पर ये 42वें संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष अखंडता, जहाँ लिख रहा है ना पंथ निरपेक्ष, समझ रहे हो ना, पंथ निरपेक्ष अखंडता और हमारा क्या है, समाजवादी, समाजवादी, ये सारे वर्ड वहाँ पर जोड़े गए थे। ठीक है, किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के। और इनका ये अपना मतलब आप लोगों को पता ही है, गणराज्य बनाने के लिए तथा उनमें समस्त नागरिकों को न्याय क्या दिलाना है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सभी न्याय दिलाने, ये सारे वर्ड आपको इस तरह से याद रखने हैं। क्वेश्चन में आएगा कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो वर्ड है वो आपको क्रम में लगाने हैं कि पहला कौन सा है, बिल्कुल अच्छे से इसको रट लें तो ये एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, ना लिखने में ना ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और दूसरा दूसरा ये इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य उद्देश्य का वो संविधान की कुंजी किसने कहा है, संविधान की कुंजी तो किस केस में कहा है, वो कहा है इंद्री बेरुवारी यूनियन, जो इंद्रू बेरुवारी केस था और 1960 में SC सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कहा था और इसमें उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया गया था और इसी के आधार पर संविधान की कुंजी भी इसे कहा था। ठीक है, किसने, जस्टिस हिदायतुल्ला ने, याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। और एक बात और यार, थोड़ा टाइप करने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है मेरा, तो मैं ऑडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक्स। ठीक है, तो ये सारी बातें आप बिल्कुल ध्यान रखें, अखंडता और एकता से मतलब आप समझ रहे हो ना, यूनिटी। ठीक है, तो ये हमारे ये भी सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे ऐड करे गए थे। ठीक है, और प्लम्बल्स में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है ये भी मुझे बताएं, प्रम्बल्स में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, अब तक 4 प्रम्बल्स में केवल एक बार ही 1976 में संशोधन किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि उसमें अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए प्रम्बल्स के लेकर। वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो और भी जोड़ा गया था उसमें क्या था, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 भी संशोधित किया गया था जब 42वें संशोधन हमारा हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको बिल्कुल आप लोग रट लेंगे। ठीक है, और इसका एक मैंने एक शॉर्टकट तरीके से एक वीडियो बना के अपलोड कर रखी है याद करने की, आपको याद ईजिली हो जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। और इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं बाय ऑडियो, तो आप उसे ध्यान से सुन के बार बार वीडियो को पुश करके वीडियो को सुन लें ध्यान से। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है एक नहीं फ्री में, और मेंस में लिखने के लिए आती है, और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी है कि इंटरव्यू में पूछ लेते कि इसके प्रम्बल से जो है उद्देश्य का है उसको सुनाओ। तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए, बहुत एकदम स्पीडली आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कोशिश करूँगा अगर तबीयत अच्छी रही तो रोज़ आपके लिए रेगुलर वीडियो मैं डालूँ यहाँ पर, कोशिश मेरी बहुत सारी है आप लोगों के लिए। और आप भी कोऑपरेट करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि मुझे थोड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिले, और आपसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहेंगे, बस आप वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, थंबनेल आप दबाएं बेल आइकन। और दूसरा, आप कमेंट में किसी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा सभी का रिप्लाई करने की। थैंक यू सो वेरी मच।